So, hey guys, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10,000 के अंदर आपको कौन सा स्मार्टफोन मिल सकता है जिसकी बैटरी 5000 mAh हो और दोस्तों वो फोन काफी अच्छा तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ हो। तो वो फोन ऐसा कौन से फोन है, तो आपको बेस्ट 5 फोन बताने वाला हूँ जो कि अंडर 10K के अंदर आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर बैटरी होगी 5000 mAh की। तो दोस्तों इस वीडियो में उन्हीं फोन के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यार। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले फोन के बारे में जो कि अंडर 10K के अंदर आपको मिलेगा और काफी गजब के फोन बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यार और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले फोन आता है Xiaomi के Redmi की तरफ से दोस्तों Redmi 9 Prime। दोस्तों काफी गजब का फोन है, हाल ही में इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है। 6.3 इंच की इसकी डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके अंदर बैटरी आपको 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी इस फोन के अंदर। और इसके अंदर Helio G80 प्रोसेसर लगाया गया है, 4GB 64GB वाला वैंड मिल जाएगा। अगर कैमरे की बात करेंगे 13+8+5 मेगापिक्सल का इसमें 3 रियर कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 8 मेगापिक्सल आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों काफी अच्छा फोन है, इस फोन को आप बाय कर सकते हैं 9,999 रुपए के अंदर, 4GB 64GB वाला वेरिएंट। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे फोन के बारे में जो कि है Motorola G8 Power Lite। दोस्तों काफी अच्छा फोन है, ये फोन आपको मिल जाएगा Flipkart के ऊपर। तो दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की इसकी डिस्प्ले देखने को मिलती है और दोस्तों HD+ आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलती है। उसके बाद उसको 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों Helio का P35 इसमें प्रोसेसर लगाया गया है और दोस्तों इसकी जो प्राइस 4GB 64GB की ये है 8,999 रुपए की, ये फोन भी आप बाय कर सकते हैं, काफी अमेजिंग फोन देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं तीसरे फोन के बारे में जो कि आता है Realme की तरफ से Realme C3। दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको 6.5 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अंदर प्रोसेसर Helio G70 प्रोसेसर लगाया गया है, काफी तगड़ा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए और 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये वेरिएंट मिलेगा 3GB 32GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 8,999 रुपए के अंदर। तो दोस्तों ये फोन भी एक आपके लिए रिकमेंड करूंगा, आप इसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं Samsung Galaxy M01s का और दोस्तों ये फोन भी Samsung की तरफ से काफी अच्छा फोन निकल के सामने आया था। तो दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है 6.2 इंच की फुल HD Infinity पूरी डिस्प्ले, इसके अंदर P22 इसके अंदर का खास प्रोसेसर नहीं है, Helio का P22 प्रोसेसर लगाया गया है। उसके बाद 3GB और 32GB वाली रैम रोम आपको देखने को मिल जाएगी और उसके अंदर 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों आप ये फोन बाय कर सकते हैं 9,999 के अंदर, यानी कि 10K के अंदर ये फोन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें फोन के बारे में दोस्तों जो कि आता है Realme की तरफ से निकल के Realme Nazaro 10A। दोस्तों काफी अच्छा फोन है, हाल ही में Realme की तरफ से लॉन्च किया गया है और दोस्तों इसके डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी 6.5 इंच की HD+ यानी कि फुल HD+ आपको इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। Helio का G70 प्रोसेसर गेमिंग के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है जो कि पिछले फोन के अंदर भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें 3 रियर कैमरे देखने को मिलेगा 12+2+2 मेगापिक्सल। उसके बाद दोस्तों फ्रंट कैमरा भी आपको इस फोन के अंदर 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 3GB 32GB वाले वेरिएंट की इसकी प्राइस आपको मिलेगी 8,499 रुपए के अंदर, ये फोन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये फोन भी आप बाय कर सकते हैं, मैं इस फोन को भी आपको रिकमेंड करता हूँ। हालांकि दोस्तों जो पांचों के पांचों फोन है काफी बेस्ट प्राइस के अंदर काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल रहे हैं, तो ये सारे फोन आप बाय कर सकते हैं। अगर आपका बजट अंडर 10K है तो काफी अच्छे फोन है, उन सारे फोन को आप बाय कर सकते हैं, काफी अच्छे फोन है। तो दोस्तों आप इन फोन को बाय कर सकते हैं, बाकी इन फोन के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कुछ भी अच्छा लगा
आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।